भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम की परेशानियां बढ़ सकती हैं। संगीत सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पर्चा वायरल होने की बात को नकारा था, जो अब वीडियो सामने आ रही है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि संगीत सोम के प्रतिनिधि चंद्रशेखर एक पर्चा संगीत सोम को देते हुए नजर आ रहे हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये वही पर्चा है जो संगीत सोम ने अपने लेटर हेड पर छपवाया था और संजीव बालियान के खिलाफ उसमें तमाम बातें लिखी हुई थी। हालांकि संगीत सोम ने इस बात से मना किया है और कहा है कि ये जो लेटर हेड है उनका उसका मिसयूज हुआ है और संजीव बालियान के खिलाफ जो भी बातें उस पर्चे में लिखी गई थी वो उन्होंने नहीं लिखवाई है। संगीत सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन ही शाम के वक्त एक एप्लीकेशन लाल कुर्ती थाने में जमा करवा दी थी और वो एप्लीकेशन चंद्रशेखर जो उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है, वो पर्चा देखते हुए चंद्रशेखर ही नजर आ रहे हैं उसमें, उन्हीं के हाथों वो एप्लीकेशन तहरीर के तौर पर एक कहा जा सकता है संगीत सोम ने चंद्रशेखर के हाथों थाने में दी थी। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वो पर्चा कौन सा था जो चंद्रशेखर ने संगीत सोम को दिया था, क्या वो ही पर्चा था जिसमें संजीव बालियान के खिलाफ बातें लिखी हुई थी या कोई अन्य पर्चा था। थाना पुलिस ने चंद्रशेखर को पूछताछ के लिए बुलाया था तो चंद्रशेखर ने बताया कि वो पर्चा नहीं था जिसमें संजीव बालियान के खिलाफ बातें लिखी गई थी, वो कोई और सा पर्चा था जो संगीत सोम को प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने हैंड ओवर किया था। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि वो पर्चा ऐसा कौन सा था जो संगीत सोम को जो दिया गया वो भी प्रेस वार्ता के दौरान। प्रेस वार्ता में बताया ये जा रहा था संगीत सोम द्वारा कि जो संजीव बालियान ने बयान दिए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है और उसी के खिलाफ संगीत सोम ने प्रेस वार्ता की थी। अगर प्रेस वार्ता के दौरान कोई पर्चा दिया जा रहा है तो समझने और सोचने वाली ये बात है कि उस पर्चे में क्या हो सकता है, क्या इतना महत्वपूर्ण क्या चीज हो सकती है जो उस प्रेस वार्ता के दौरान संगीत सोम को पकड़वाने की जरूरत पड़ गई थी चंद्रशेखर ने जो पर्चा पकड़ाया था। अब दूसरी बात अगर देखें तो दूसरा पहलू इसका यह भी निकाला जा सकता है कि संगीत सोम जिसको 2014 में जेड प्लस सिक्योरिटी मिली थी उसके बाद उनकी सिक्योरिटी थोड़ी कम की थी, अब वाई ग्रेड की सिक्योरिटी संगीत सोम के पास है। इस सिक्योरिटी के बावजूद भी जहां पर घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होने चाहिए और ये तमाम सिक्योरिटी होने चाहिए, तमाम भीड़ वहां पर मौजूद थी, तमाम संगीत सोम के समर्थक वहां पर मौजूद थे, तो ये पर्चा किसने दिया है? संगीत सोम इस बात से नकार रहे हैं कि वो पर्चा उन्होंने दिया है या उनके प्रतिनिधि ने दिया है, इस बात से नकार रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि इतनी सुरक्षा के बीच ये पर्चा कहां से आया। अब इस पर्चे की जांच के लिए आपको बता दें कि तमाम पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट लग चुकी है, चाहे बात हो LIU की, IB की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर सेल की बात करें तो वो भी जांच कर रही है और यहां तक कि इस पर्चा बांटने की बात को लेकर जांच कर रही है ATS। ATS भी इसकी जांच में जुटी है। तो कहीं ना कहीं अभी जो अंदेशा लगाया जा रहा है, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो ये लगाया जा रहा है कि संगीत सोम के प्रतिनिधि चंद्रशेखर ने ही ये पर्चा बांटा था। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।